तो बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया है। तो बड़ी जानकारी, सीएम शिवराज जिन्होंने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया। और बता दें कि फोर्टिफाइड चावल पर भ्रम फैला रही है कांग्रेस। सीएम ने कहा कि कांग्रेसी झूठ बोल रहे हैं ताकि लोग चावल ना खाएं। हमने मुफ्त जूते बांटे थे तब भी भ्रम फैलाया गया था कांग्रेसियों की तरफ से, अब फिर से भ्रम फैला रही है कांग्रेस। कांग्रेस ने कहा था जूते पहनोगे तो कैंसर हो जाएगा। तमाम बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही हैं। जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है उन आरोपों को निराधार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है। उन्होंने कहा कि फोर्टिफाइड चावल पर भ्रम फैला रही है कांग्रेस, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोल रही है ताकि लोग चावल ना खाएं। जब हमने जूते बांटे थे तब भी कांग्रेस ने इसी तरह भ्रम फैलाया था और कहा था कि जो जूते पहनेंगे उन्हें कैंसर हो जाएगा, और एक बार फिर से कांग्रेस भ्रम फैला रही है चावलों को लेकर। तो फोर्टिफाइड चावलों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, झूठ बोल रही है। इससे पहले भी कांग्रेस ने यही काम किया था, जब जूते बांटे गए थे तो उन्होंने कहा था कि जूते पहनेंगे तो कैंसर हो जाएगा। कांग्रेस यही करती है, झूठ फैलाती है और भ्रम फैलाती है। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है, कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया है। वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फोर्टिफाइड चावल पोषण के लिए जरूरी है, लेकिन उस चावल को प्लास्टिक का चावल, कांग्रेसी कितना झूठ बोलेंगे आखिर, कितने भ्रम फैलाएंगे आखिर। अब ये तो कुकृत्य है, पाप है, पाप दिग्विजय सिंह के द्वारा इसलिए पाप है ये कि आप भ्रम फैला दो तो लोग वो चावल ही ना खाएं फोर्टिफाइड, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। ऐसे ही एक बार इन्हें पिछले चुनाव के पहले जो हमने जूते दिए थे, कहने लगे ये पहनोगे तो कैंसर हो जाएगा। अब ये कांग्रेस का केवल मानसिक दिवालियापन नहीं है, ये कुटिलता है, लेकिन कुटिलता के साथ साथ ये जनता के साथ छल है, प्रपंच है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दिखते रहिए इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।